सत श्री अकाल लोकरण पंजाबी देख रहे सारे दोस्तों का स्वागत। मैं गुरजिंदर सिंह पंगू ते मेरे नाल डॉक्टर अमर अजा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी साहब। दोस्तों जी, दोस्तों डॉक्टर साहब को तुम जानते ही जान पहचान के मौका नहीं है। अज असी जिस इशू से डॉक्टर साहब नाल गलबात करांगे वह इशू अत अहम गंभीर है। देखो किन्ने समय तो आह गल चल रही है, तो अजक सोशल मीडिया के उत्ते भी किन्ने जो बुद्धिजीवी तबका है जो डॉक्टर साहबान ने आह गल मीडिया जरिए लोगों अगे रख रहे हैं। मामला गंभीर है, वह है कि पंजाबियों के क्षमता नहीं रही कि वह बच्चे जम सकन। पिछले दिन तुम देखा होगा कई जो एक्टिविस्ट ने ज डॉक्टरी पे किते संबंधित लोग ने उन्होंने अपने विचार रखे अलग अलग चैनलों के उत्ते। वो कहते हैं कि पंजाबियों के क्षमता नहीं रही कि पंजाबी बच्चे जम सकन। जो पंजाबियों की अगली फिर नस्ल है वह नस्ल यूपी बिहार तो उतों स्पर्म लैके इतों डोनेट किया जा रहा। स्पर्म वे वे जो फर्टिलाइज सेंटर बने हुए हैं उत्थे वो उस स्पर्म तो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। उत्थे फिर वो लोग शंके खड़े करते हैं कि जिहड़ा आह सिस्टम है पंजाब की नस्ल है आह तबाह हो जूगी। पंजाबियों की नस्ल बदली जा रही है, पंजाबी जिहड़ी अगली नस्ल पैदा होगी और डोनेट होया हुआ स्पर्म है यूपी बिहार तो उस स्पर्म तो बच्चे पैदा होंगे। बड़े वड्डा एक गंभीर चिंता का विषय है। डॉक्टर साहब डॉक्टर अमर आजाद जी असं इस विषय से गलबात करेंगे कि इस गल के सच्चाई किन्नी है, मेरा झूठ है जां फिर फुल ये सच है जो सानू स्वीकार करना पैना जां सानू नकारना पैना। तुसी साडे नाल बने रहो, कल्ली कल्ली गल ते डिस्कस करांगे। डॉक्टर साहब कहिंदे वी यूपी ते बिहार पंजाबियों दे विच नहीं क्षमता रही कि वो अपने जवाक जम सकन। उत्थों स्पर्म दे नाल पंजाब दे विच बच्चे पैदा होंदे ने, पंजाब दी नसल बदली जा रही है। देखो इदा जिहड़ा दा सवाल है भी कि स्पर्म काउंट घट रहा, ये वर्तारा जिहड़ा है ये कल्ले पंजाब तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया के एक नहीं अनेक स्टडीज़ हो गई ने। पूरी दुनिया के जिहड़ा स्पर्म काउंट है वह घट रहा और थोड़ा बहुत नहीं घटिया, पिछले समय से 40 तो लैके 50% तो आ गया, नहीं कि अद्ध तो ज़्यादा घट चुकया। सेम पंजाब चो है, पंजाब थोड़ा जहा हो सकता ज़्यादा लग रहा है बाकी वर्ल्ड एवरेज नालों जां नैशनल एवरेज नालों। कारण आप जानते हैं कि जिहड़े साडा खेती का मॉडल है ग्रीन रेवोल्यूशन के नाते असीं लैके आए हैं, वो थोड़ा उहदी तीव्रता ज़्यादा इत्थे। तो कुदरती गल है क्योंकि जिहड़े स्पर्म काउंट ने सारे कैमिकल दे उपर जिहड़ा उहदा दारोमदार सारा शरीर का, क्योंकि जिथे सानूं शरीरक बीमारियां हो रही ने बहुत आप जानते हैं कि साढ़े जिहड़े घरां दे घर जिहड़े ने वो यह भयंकर बीमारिया की लपेट च आ चुके हैं कि घर घर साढ़े को बीमारिया ने जिन्होंने क्रॉनिक तो इनक्योरेबल डिजीज कहने शरीरक ने, फिर मानसिक ने। थानू पता किन्ने लोग डिप्रैशन एंगजायटी बाइपोलर पता नहीं क्या हूँ तो नाम ही आम जे हो गए, बाइपोलर भी आम कह लग गए हैं तो OCD कह लग गए कई कुछ, तो मानसिक बीमारिया के भी असं शिकार हो रहे हैं। तो तीजा जो है वो रिप्रोडक्टिव हैल्थ जिन के प्रजनन क्रिया कल कद कल मेल नहीं डैमेज हो रहे, कला स्पर्म काउंट नहीं डैमेज हो रहा, कुड़ियाँ भी डैमेज हो रही बहुत ज़्यादा। साढ़े को इनिया लड़कियाँ यंग आ रही ने जहाँ के मूँह के वाल ने जहाँ के बॉडी के परवाल ज़्यादा ने, गोवरी के गठा ने जिन्हों PCOD कहने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहने, मेंस्ट्रुएशन उन्होंने प्रॉपर आ नहीं रही। मेंस्ट्रुएशन शुरू छे साल से शुरू हो जाती, 7 साल से शुरू हो जाती है, फिर कोई हिसाब किताब भी नहीं होता कदों आनी है किन्ने पीरियड बाद आनी है। सो बहुत सारे गड़बड़ा लेडीज़ भी ने। सो दोनों सैक्स का जो रिप्रोडक्टिव हैल्थ डैमेज हो रहा, और यह गल अज नहीं, खेती विरासत मिशन के प्लेटफॉर्म से मैं पिछले 15 साल तो काम कर रहे थे। 2009 असी कहना शुरू करता कि भी ये रिप्रोडक्टिव हैल्थ थोड़ी पंजाब की जी बहुत बुरी तरह कुचली जा रही है और बचो इस तो वो सच है, वो सच है। लेकिन ये कोई ये ये सट्टा कढ़ना कि कोई पर्टिकुलर कम्यूनिटी या पर्टिकुलर धर्म या कोई पर्टिकुलर सानू कोई जान बुझ के कोई साढ़े खिलाफ वो कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है। जो असी कर रहे हैं वो जो नैट रिजल्ट उ निकलना सी, क्योंकि असी पिछले 60-70 साल तो जो जो खेती का मॉडल अडोप्ट किया कैमिकल्स बहुत ज़्यादा ने, पहला खादा लैके आए पेस्टिसाइड लैके आए असी हरबीसाइड ले आए, फिर असी डूंगा पानी वरतना शुरू करता खेती का, धरती 5-5 फुट 4000 फुट तो वो बहुत ही जहरीला, वो पानी बहुत जहरीला। फिर इंडस्ट्री साड़ी ने बहुत खपत किया जरा जरा जो उन्होंने गंदा मंदा पानी सारा दरियावें छड़ता नदी नाले च। साढ़े पंजाब का कोई नाला कोई नदी यहो जी नहीं जी कि अत का अत गंदा नाला ना बन चुकी हो। थोड़ा जहाँ इस शुरू करा
कि जिन्हें अंकड़े दिते गए ने हूँ तक अपने इंटरव्यू देखे अलग अलग जिन्हें अंकड़े दिए गए हैं जिस पद्धर उत्ते गल की गई है कि जिहड़ा आ मसला एडे वड्डे पद्धर ते चलदा छोटे वड्डे पद्धर ते नहीं कि उह तुसीं भी जिक्र किया कि पंजाब की समस्या नहीं सारी दुनिया की समस्या लगभग हर छेवां कपल है जी पंजाब दे अंदर गिनती हैगी हर पंजवां जां छेवां कपल है जिन्हों प्रॉब्लम आ रही है उहदे विच भी जरूरी नहीं भी ओह स्पर्म किसी होर दा लैणगे पहली क्वेश्चन उन्होंने यही होंगी है कि तुहाडा ही हसबेंड का ही स्पर्म यूज कर लो क्योंकि स्पर्म की गिनती घट होंगी है तो वो अपने ढंग स्पर्म लैके कर देंगे जे स्पर्म कामयाब नहीं हुंदा तुहाडा फिर वो स्पर्म बैंक तो स्पर्म लिया जाता दूजी गल है स्पर्म के कड़ी कम्यूनिटी का स्पर्म लैना या कि नहीं लैना उसको देखना स्पर्म बैंक ने स्पर्म बैंक का यह देखेगा भी कि हैल्दी डोनर है जिदे स्पर्म्स हैल्दी ने चाहे वह किसी भी कम्यूनिटी का भी हो सकता साडा पंजाबी भी होगा भी नॉन नॉन पंजाबी होएगा तो इस करके इदां दे जिहड़े सिट्टे कढ़ने ते पर्टिकुलर कम्यूनिटी नूं टारगेट करना कि भी उह साडे उप्पर कोई भारू हो जाणगे जां साडी कोई नसलकुशी कर रहे इदां उहनूं वधा चढ़ा के गल नूं जिहड़ा करना ठीक नहीं है ते ना इदां नूं इक कम्यूनिटी नूं दूजी कम्यूनिटी दे खिलाफ इदां दी कोई प्रकाट दी शकल चले आउण दी लोड़ है इह वर्तारा जो हो रिहा उह साडे जो असीं कीता पिछले 50-60 साल 'च उहदा नैट रिजल्ट है और उहदे 'च जे आपां कहीए वी इह बड़ी बुरी गल है तो बुरी गल भी कोई नहीं है क्योंकि जो बच्चा हो ही नहीं रहा तो बच्चा तो हर परिवार को चाहिए तो उस बच्चे लिए जो कोई स्पर्म काउंट के हेल्दी डोनर का स्पर्म लेंदे हैं तो वो कोई असी ऐसा कोई पाप नहीं हो रहा जितने का सवाल प्योरिटी ऑफ जीनस है प्योरिटी ऑफ जीनस का मसला जो है कोई एड्डा बहुता ज़्यादा नहीं हूँ क्योंकि जीन जे ने मैं दोस्तों को एक गल क्लीयर करदा कि अज भी साढ़े जो 90% जीन ने बैक्टीरिया के जीन ने कोई ऐसे जीन का बहुत फर्क नहीं हूँ कि आप कही बिहारियों के जीन को बहुत माड़े ने तो साढ़े जीन बहुत अच्छे ऐसा जेनेटिक लैवल से कोई ऐसी डिफरेंशिएशन नहीं है हैल्दी बंदा हैल्दी बंदा ही हुंदा बीमार ना होवे हैल्दी बंदा होवे उहनूं कोई इहो जिही बीमारी ना होवे जिहदे च तो वह बंदे का जीन लगभग इको जिहे हुंदे आ तो इस करके ऐसा मैनूं नहीं लगता कोई ऐसा है कि उहदे नाल साडी कोई पंजाबीयत खराब हो रही है तो जी डॉक्टर साहब पर इहदे च जिहड़ी फिजिकल प्रॉब्लम है बॉडी दी प्रॉब्लम है इहदे च फिर धर्म कित्थों आ गया कोई धर्म नहीं है इहदे च ते देखो तुसीं कमाल की गल ये है भी तुसीं एक मुस्लिम बच्चा मन लो कोई परिवार उन्हूं अबेंडन कर देता वो अगे वो पंगूड़े च रख जाता तो उन्हूं कोई सिख फैमिली अडोप्ट कर लेंदी है तो वह जिहड़ी कुड़ी वड्डी होएगी वह सिख होएगी मुस्लिम नहीं होएगी उहदा जीन जून कितें गया वो जिदा पलेगी उहदी परवरिश ज़्यादा इंपोर्टेंट है उहदा जीन इंपोर्टेंट नहीं है पछाण चो निकलदी है जी बिल्कुल जिहड़ा तुहाडे कल्चर चो सभ्याचार जिस सभ्याचार बच्चा पलेगा उही कुछ हो जाएगा उही कुछ हो जाएगा उहदे नाल जीन का कोई तलक नहीं है जीन तो मनुखता का है मनुख का जीन है तुसीं मनुख के बच्चे हिंदू माँ तो जम्मे बच्चे जो सिख परिवार च रख दोगे सिख वर्गा हो जाएगा तो जो सिख परिवार चो लैन किसी मुस्लिम च रख दोगे मुस्लिम वर्गा हो जाएगा तो इस करके इस गल नूं इदां जोड़ना उहदे नाल कोई साडा कल्चर खराब हो जाएगा सभ्याचार ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कोई जेनेटिक साइंस नहीं यहोजी कोई जेनेटिक साइंस नहीं है तो जी जी जो कुछ बनना बच्चे ने वो बनना है कि उसकी परवरिश किदा के पेरेंट्स को होंगी है तो वैसे इस करके इदा कोई एलीगेशन लाना मैंने नहीं लगता कोई जस्टिफाइड है तो इस करके योजा काम करना भी नहीं चाहिए क्योंकि योजा काम असं करा तो असं असल रियल मुद्दों को भुल के एक गलत मुद्दे खड़े कर देंगे जिद लोग बिना मतलब उलझी जाएंगे अपना कॉम्प्लीकेटड कर देंगे इस मसले में लोगों असी सोचते मामले तो दुफाड़ कर देंगे बिल्कुल तो डॉक्टर साहब यदि गल फिर कोई सच्चाई नहीं हैगी कि पक्के तौर पर आप देखिए कि जिमें उ फोकस किया गया कि यूपी तो बिहार का ही स्पर्म है जो पंजाबियों के एडजस्ट किया जा रहा डोनेट करना कौन डोनेट करना है गरीब होगा क्योंकि अदरवाइज कड़ा बंदा सोचता जाके सीमेंट डोनेट करके आवां सीमेंट डोनेट करना उही बंदा आएगा ना जिहड़ा थोड़ा जिहा पैसे की लोड़ होगी इतने वो हेल्दी होएगा पहले तो स्पर्म देखेंगे फिल्म भी बन चुकी हैं इसते हाँ बिल्कुल सो वो पहला सीमन देखेंगे वह देखेंगे भी सीमन पहले तो उन बंदे देखेंगे
ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਸਰ ਪਰਫੈਕਟ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੀਮਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਸੀਮਨ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਣਗੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ. ਇਹਦਾ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀ ਨੋਨ ਹੈ, ਨਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਇਡੈਂਟੀ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਉਹ. ਉਸ ਫਨਾਮਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਬਹੁਤੇ ਸਪਰਮ ਬੈਂਕ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਨੋਨੀਮਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਡੋਨਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੋਨਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਨਾ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਪਰਮ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੀਮਨ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਈ ਡੋਨਰ ਦਾ ਸੀਮਨ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡੋਨਰ ਦਾ. ਨੁਕ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਪਛਾਣ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ. ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਛਾਣ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ. ਇਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਹੈ. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ. ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਫਾਦ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੀਅਲ ਮੁੱਦਾ ਫੋਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਪਰ ਮਾਰ ਆਈ ਪੀ ਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੇ ਨਕਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ. ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾ. ਬਿਲਕੁਲ, ਵਿਕਟਮ ਬਲੇਮਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਤੰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟੀਵੀ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਮਾਫ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ. ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ. ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਬਰ ਚਲਾਓ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਜਾਵੇ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਸੀ. ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟਾਵਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਵਰਤੋਗੇ ਪੰਜਾਬ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਆਇਆ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਦਰਤ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਕੋਲੋਜੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯੇ ਵੋ. ਹੁਣ ਉਹ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜੰਗਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦਹੋਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਕੋਲੋਜੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਈ ਜਾਣੇ ਗੇੜੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਲ ਗੈਸ, ਹੁਣ ਸ਼ੇਲ ਗੈਸ ਵੀ ਕੱਢੀ, ਸ਼ੇਲ ਗੈਸ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਗੈਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਐਸੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਕੱਢ ਲੈ ਨੇ. ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਡੂੰਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਤ ਦੀ ਟੋਕਸਿਕ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਅੱਤ ਦਾ, ਅੱਤ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਗਏ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਫਿਊਲ ਦੀ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਅੱਤ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ. ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਹੀਆਤ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ. ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਲੌਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜੀਓ,
हवा का अपना एक साइकिल है, पानी का अपना एक साइकिल है, खुराकी तत्वों का अपना एक साइकिल है, और कुदरत ऐसे सुंदर साइकिल बना रखे हैं कभी मुकते नहीं हो। बिल्कुल, जिनी मर्जी हवा वरतो, जिन्ना मर्जी पानी वरतो, जिन्नी मर्जी फसल लाओ, उन्हें मुकना नहीं है। जो तुम कर रहे हो सारे सारे साइकिल तोड़ के आओ मारे, हवा तुम्हें प्रदूषित करती, पानी का सत्यानाश मारता, खुराकी तत्वों का सत्यानाश मारता, थले धरती जो तुम जहरीलियां चीज़ा कट कट के उत्ते खंडाई जा रहे हो, फसलों का सारिया जेनेटिकली मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, जी हाइब्रिड बीज वगैरह आ गए, तो सारे का सारा वर्तारा कर रहे हो, अत का जहरीला, वह नैट रिजल्ट की निकलेगा? नैट रिजल्ट वो निकल रहा कि पूरी की पूरी जो जीव जंतु तबाह हो रहे हैं, प्रजातियां लगातार खराब हो रही ने, जंगल लगातार प्रजातियां हर साल जी ने वो 10-15-20 प्रजातियां लोप हो जाती ने। तुहाड़े सामने देखते देखते मेरे बचपन तो लैके हुण तक मैं जो देखता सीगा बहुत सारी प्रजातियां दिख नहीं रही हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे एक इतने होर सवाल है, जो आप फसलों के उत्ते रसायनिक खादा वरत रहे, जिन्हें पेस्टिसाइड वरते जा रहे हैं, भावें रे स्प्रे खाद DAP है ना, वो सारे तुम इनकलूड कर लो, जो वो फसल से वरत्या जाता डिग पैंता धरती से वह खत्म होंगे या उ रहा? नहीं, ये ना ये कहते हैं बायोडिग्रेडेबल नहीं है ये फॉर एग्जाम्पल DDT सब तो पहला आई। अच्छा, DDT सब तो पहला पेस्ट जो इंसेक्टीसाइड आया DDT आई, जिसे इन्वेंटर ग्लोबल मिलया की कहते नोबल प्राइज़ मिलया उन्होंने, कि भी इस बंद ने बड़ा मार्का मारता जी, देखो जी इन्हें कैसा हजार करता कीटा मार सकता। बाद च पता लग्या जो DDT का पता लग्या भी ये DDT तो बहुत ही घातक है, तो यदि जी हाफ लाइफ है वो 100 साल के लगभग है, उन्हें 100 साल गलना ही नहीं है, तो अज भी उस DDT बैन हुए नूं फिर बाद बैन हो गई, वो सारी दुनिया बैन है इस वेल, अज भी DDT पॉजिटिव आती है, तुम पानी लै लो, तुम अपनी कोई फूड लै लो तो DDT पॉजिटिव आ रही है, तो वो गलती नहीं है। और सेम इज़ ट्रू अबाउट ऑलमोस्ट ऑल मैन मेड कैमिकल जो इदा है उन्होंने बारे ट्रू है, चाहे वह खादा ने थोड़े यूरिया DAP की पर्टिकुलरली फॉस्फेट फर्टिलाइजर, फिर थोड़े पेस्टिसाइड ने हर्बीसाइड तो उसमें भी खतरनाक ने, तो सारे के सारा कितना कितने वर्तारा जोड़ा वह इन्ने गंदे कैमिकल ने कि वो जे जिथे जो वातावरण आ जाते फिर गलते नहीं है, तो गलते नहीं तो साढ़े जाएंगे तो जाके बॉडी कट्ठे होट्ठे हो तेन शरीर में बीमार करे, मन में भी बीमार करे, थोड़ा प्रजनन अंग भी। डॉक्टर साहब, जो ये वर्ल्ड कॉरपोरेट आप संसार कहने यदि फिर आम बंद खेड़ा कि शुरू कर तुम किसानी की गल कर लो, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਾਮ ਜਾਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇਸ ਵਰਤਾਰਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੀਜਨ 'ਚ ਲੜ ਲੂੰਗਾ ਅਤੇ ਲੜ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। किसानों ने सब तो वंडरफुल फाइट दी है, लेकिन किसानों की फाइट का अल्टीमेटली तुहाडे सामने है, जो अशर हो रहा होया तो जो अशर आने वाले समय कुछ दिख रहा है कि भी एदा कोई एडा मसला सौखा नहीं है जिड्डा किसान जथेबंदियां सोचदियां भी असीं झंडे चक्के कर लांगे। जब तक तुसीं पूरे दे पूरे कंट्री दे किसानां नूं, पूरे दे पूरे कंट्री दे वर्किंग पीपल नूं, ते फिर पूरी दी पूरी मनुखता नूं नाल नहीं लैंदे, एक बार मनुखता जागृत हो गई तो जागृत मनुखता अगर फिर कुछ भी खड़ नहीं सकता, कुछ भी खड़ नहीं सकता, क्योंकि जागृत मनुखता का हिस्सा वो फौजी भी ने, वो पुलिस वाले ने भी, जिन्होंने जिन्होंने थ्रू तुम राज करते हो सारे उस मनुखता का हिस्सा ने, तो कि राही तुम फिर लोगों को दबाओगे? बिल्कुल, ठीक है ना। सो अज लोड़ है कि पूरी की पूरी मनुखता बजाय इस गल कि आप एक कम्यूनिटी दूजी कम्यूनिटी के खिलाफ भड़काइए, कभी हरियाणे को पंजाब के खिलाफ भड़का दिए, तुहाडा पानी लै गए, कभी किसी तो यहाँ वर्तारा ना, ये पढ़े लिखे लोगों को इंटलैक्चुअल इस गल तो बहुत चेतन रहना चाहिए कि वर्किंग पीपल के अलग अलग सैक्शन में ज अडड स्टेटा ज अडड इदा की सोच देनी, वो मसले जो होंगे वो घरेलू मसले ने, उन्होंने संवाद न घर बैठ के हल करने वाले मसले ने, थोड़ी पार्लीमेंट हल हो जाएंगे, थोड़ी कोर्टा हल हो जाएंगे, थोड़े कोई होर भाईचारा हल कर लेगा, जो वाला मसला जो सब तो वही लड़ाई है उन्होंने लोगों के खिलाफ जे कि पूरी मनुखता के दुश्मन ने, जिन्होंने पिछले 2-3 साल हूँ तो एपीडेमिक्स के नाते हेल्थ के नाते बड़ा कुछ हो रहा, पहला तो यह धर्मां वरते थे हम तो साइंस में वरतन लग गए हैं कि हैल्थ में वरतन लग गए हैं कि झूठ बड़े बड़े बोल के मनुखता बीमारियां चुलझाओ, बीमारियों के डर चुलझा दो, तो मुड़ के अपना पिछों झंडा चलाई जाओ, तुम देखो एक तो बाद नवी बीमारियां लिया के लोगों को उलझाते हैं, तो यह सारे का सारा वर्तारा वह बदल यही है चेतन तो जथेबंद मनुखता। तो उदो तुम देखिए पिछले समय से कि अडड कंट्री के कि आवाज़ उठी, हूँ भी उठ रही है, किसान साडा किसानी अंदोलन उसी का हिस्सा सीगा, साढ़े मुलाजम लड़ रहे हैं, और अड अड वर्ग जड़े ने, तो यह सारे कितना कितने छोटी छोटी स्टेडियां जिते अल्टीमेटली कितना कितने अंदर तालमेल बनेगा बन रहा है,
तो मैं समझना कि आने वाला जो दहाक है एक बहुत इंपोर्टेंट दहाक है जिद बहुत व्डे पद्धर से ग्लोबल पद्धर से देश के पद्धर से व्डिया तब्दीलियां होगी और बुरी आस है कि असी ठीक दिशा वाल मूव करा और चेतना भी बढ़ रही है और जथेबंधक ताकत भी बढ़ रही है। डॉक्टर साहब एक मेरा होर सवाल आखिरी सवाल है, हालांकि इस सब्जेक्ट थोड़ा जहा वक्रा मैंने ऐसे चलो मैं कुछ लेना है। एक जो यंग ब्रिगेड है हूँ भी भावें तुम खाने का असर ला लो, आप कहने कि खाने का असर मन के नाल हों मन कंट्रोल कर ला लो, बॉडी को एंटीबॉडी प्रति अट्रैक्शन काफ़ी बढ़ रही है ज एंटी लिंग प्रति तुम कह लो, कारण की मन ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਯੰਗ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨਿੱਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਹਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਰੈਸ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਚੁਰਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਅਗਲੀ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ 'ਚ ਰੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਰੈਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਭਟਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਭਟਕਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਤ ਪਟੰਗ ਰੱਖਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੜਾਤੇ ਆ ਖਿਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਉਤ ਪਟਾਂ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜਾਲ ਜੀ, ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।